अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगनिया ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पूरे देश का भ्रमण करते हुए बुधवार को गोरखपुर पहुंचा हूं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदू समाज के लिए 18 प्रकार का कार्य करता है, जिसमें गरीबों की चिकित्सा के लिए शिक्षा का प्रबंध करना व भूख बुझाने के लिए एक मुट्ठी अनाज योजना, इसके अलावा खेल में भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए देश में 15 संगठन कार्य कर रहा है। देश के 20,000 स्थानों पर मदद के लिए हिंदू हेल्पलाइन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि हिंदू जाग गया है, जिसका उदाहरण है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और जल्द ही मथुरा में भी मंदिर बनेगा। देश की रक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक कानून, लव जिहाद कानून शीघ्र बने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा, आज गोरखपुर में आगमन हुआ है और मेरी पूरे भारत की यात्रा के दौरान कल कुशीनगर महाराजगंज होते हुए आज गोरखपुर पहुंचा हूं। हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर भारत में हम 15 संगठनों के द्वारा करोड़ों हिंदुओं के कल्याण, अर्थात यह हिंदुओं की कुशल पूछना, गरीब है तो उसको अनाज और डॉक्टर देना, यह परिवार स्वस्थ रहे इसलिए मदद करना, बच्चों की टैलेंट बुद्धिमत्ता बढ़ाकर पढ़ाई में आगे बढ़े इसलिए सहयोग करना, और उनके बच्चे मोबाइल से बाहर निकलकर मैदान में स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाए इसलिए नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल, ये गतिविधियों के आधार पर करोड़ों हिंदुओं का कल्याण का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और उनके साथ जुड़े हुए 15 संगठन देश में इस समय कर रहे हैं। आगे क्या उद्देश्य है और किस तरह से लोगों को जागरूक, हिंदू ही आगे एकमात्र उद्देश्य है। हिंदू तो जाग गया है इसलिए तो मंदिर बन रहा है, और जागा हुआ हिंदू काशी मथुरा का मंदिर भी बनवा देगा। आगे जो बच्चे हैं गरीब हैं उनको किस तरह से लोग जागरूक करेगा हिंदू संगठन? गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, फ्री में डॉक्टर दे रहे हैं, और बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे बढ़े और उसको खेल कूद में आगे ले जाकर वह स्वस्थ रहे, वह काम हम कर रहे हैं।